पार्किनसन्स वर्ल्ड पार्किनसन्स डे पालन करने मुख्य उद्देश्य होची आमर रोगी आ रोगी संपर्क आ समाज सबु लोक मान अवगत करेबा आ सचेतन करेबा कि पार्किनसन डिजीज जोटा आमर समाज रे तार प्रकोप बहुत बेसी आमर डाक्टर माने जेमिति कहिले कि षष्ठ दशक रे सी जेतेबेले आमर घरे आमर वयस्क लोक माने रहउछन्ति बापा मा रहउछन्ति आउ सेमाने ए रोगरे आक्रांत होउछन्ति आमो भितर सचेतनता रहिले आमे एटाकु बहुत जल्दी चिन्हट करि परिबा आ डाक्टर मानक पाखु आनि परिबा आउ आमरी हॉस्पिटल रे आमर जो प्रकार सुविधा अछि आमे ताकु निरूपण कले एर्ली स्टेज रे आमे रोग को बहुत परिमाणे रोकि परिबा कारण जेमिति सार माने कहिले ताकु आमे एकदम रोग को एराडिकेट करि परिबानी कि पूरा ताकु ट्रीट करि परिबानी तार रोगर जो प्रकोपटा सेटा को आमे स्लो करि परिबा धीरो करि परिबा अटके परिबा तो प्रथम तो मु कहिबी कि आमर जो डाक्टर माने अछन्ति से मानको एते अभिज्ञ आउ स्पेशली पार्किनसन डिजीज ऊपर नहींक्रे आमे नुआ क्लिनिक स्टार्ट करछु जो थरे आमे रोगी मानक नहींक्रे पार्किनसन डिजीज रो वर्तमान जहाँ जहाँ नुआ ट्रीटमेंट मोडलीटीज अच्छी ताकू चिन्हट करी जमती तार मेडिसिनल ट्रीटमेंट जमती सो आमर तीन जन न्यूरोलोजिस्ट अच्छा आउ सार माने मो सांगे अच्छा बहुत अभिज्ञ डाक्टर तापर कि पेसेंट अच्छा जो मैंने सर्जरी भी तांको दरकार ही पड़े कि से मानक चिन्हट करवा कि सर्जिकल कैंडिडेट सेटा हला हमें डीप ब्रेन स्टिमुलस देकर डीबीएस देकर तार सर्जरी करहब तो सर्जरी कले बहुत मानने आखि सामने दृष्टांतमूलक जोटा कहते चिकित्सार अग्रगति हो पार रोगी बहुत बड़ बड़ लक्षण रु सांगे सांगे मुक्त हो पार से चिकित्सार मुख्य प्रत्येक वर्ष एप्रिल मसरे आम गोटे पार्किनसन डिजीज अवेयरनेस हिसाब से पालन करू एप्रिल मास को एवं एप्रिल मासर 11 तारीख को आम वर्ल्ड पार्किनसन डिजीज डे हिसाब से सेलिब्रेट करू डिजीज पालन मुख्य उद्देश्य है लोक मानक पार्किनसन डिजीज संबंध में सचेतनता सृष्टि करिबा पार्किनसन डिजीज कौन यार लक्षण कौन एवं यह गोटे क्रॉनिक ट्रीटेबल डिजीज ए विषय रे जो सचेतनता अभाव अछि सेटा क्रिएट करने लोक मानक अवेयरनेस क्रिएट करने लोक माने शीघ्र आसी केमिति जदि तांको पार्किनसन डिजीज रो ट्रीटमेंट नेबे एवं आगो को क्रोनिक फॉलोअप परे ट्रीटमेंट रो जदि किछि आवश्यक पड़े आउ अधिका धरण रो ट्रीटमेंट से सबू आवश्यकता संबंध रे सचेतनता सृष्टि करिया पई आमी आज पार्किनसन डिजीज पालन करूछु साधारणत एटा होछि गोटे ओल्ड एज बा फिफ्थ डिकेड 50 वर्ष परे साधारणत एई रोग देखा दे था यहाँ गोटे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज स्त्री लोकों अपेक्षा पुरुष लोकों को साधारण बेसी देखा जाए था केते क्षेत्र में आम देखू कि 40 वर्ष तले रोग देखा दे था 25 वर्ष 30 वर्ष लोकों को आम यंग ऑनसेट पार्किनसन डिजीज बोली कही था सेटार संख्या हूँ बहुत कम किंतु बेसी आकार जो पार्किनसन डिजीज जो लोक आसती समस्ते साधारण 50-60 वर्ष ऊपर को लोकं से आम साधारण पार्किनसन डिजीज आक्रांत होइतबार देखि थाउ ए रोगर मुख्य जो लक्षण होउची कंपन बा ट्रेमर द्वितीय होउची गोटे स्लोनेस एवं तृतीय होउची रिजिडिटी रोग जमी बढ़ी चले एवं पोस्चुराल इनस्टेबिलिटी बा बैलेंस नष्ट होबा इत्यादि देखाई जाए था जो स्लोनेस जो साधारणत तांकर कार्यदक्षता बा कार्य करिबा शैली रे परिवर्तन आसी थाए जो काम को सेमाने शीघ्र भाव में करिपारुथिले सेटा को सेमाने फास्ट काम करिपारंती नाही निजर दैनंदिन कार्य जो कार्य बा जोटरे सेमाने तांकर जीविका निर्वाह करचोंती से कार्य करिबारे तांकु असमर्थता देखा दे थाए बेले बेले शरीर व्यथा होता है चलबारे असुविधा होता है गति तांकर स्लो होता है पार्किनसन डिजीज हूँ गोटे डिजीज जोटा साधारण आम मुवमेंट डिजर्डर बोली कही था गति नियंत्रित करुवा जो कोशिका अच्छी बेसल गैंग्लिया बोली गोटे ब्रेन रे गोटे स्ट्रक्चर अच्छी जोटा डोपामिन बोली जो कोशिका मैंने हूँ नियंत्रित कर मानने क्षरण करती से ही डोपामिन क्षरण करुवा कोशिका धीरे धीरे ह्रास पाई थाए जहाँफल आमर ये समस्या देखा देता है यहाँ गोटे हूँ ट्रीटेबुल कंडीशन शीघ्र डाक्तर परामर्श ने न्यूरोलोजिस्ट परामर्श नहीं औषध सेवन कले डिजीज रो प्रोग्रेशन को आम स्लो डिजीज रो साइड इफेक्ट को आम कंट्रोल करथाउ तम यथाशीघ्र रोगी को आनी डाक्तरों परामर्श करातु पार्किनसन्स डे एप्रिल 11 सब वर्ष सेलिब्रेट आम करूँ एक्चुअली करा जाए कहीं पेशेंट मैंने इन पर्टिकुलर आउ जनरल पब्लिक भितर अवेयरनेस क्रिएट करवा कि पार्किनसन्स डिजीजटा कौन रोग तार
कौन कौन चिकित्सा अवेलेबल अच्छी ताकु प्रिवेंट करी हबो ताकु केमिति ताकु नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड करी हबो और पेशेंट्स मानक जो प्रॉब्लम्स थाए ताकु एड्रेस करिया पई मुख्यतः ई डेटा पालन करा जाए। एमरी हॉस्पिटल रे आमे गोटे डेडिकेटेड पार्किंसंस क्लिनिक पार्किंसंस एंड मूवमेंट डिसऑर्डर क्लिनिक आमे रन करुछु जोटा कि यूजुअली मंडे दिन रन होउछि सेकंड हाफ रे सेतरे आमे विभिन्न प्रकार पार्किंसंस पार्किंसंस गोटे गोटे पार्किंसन डिजीज गोटे रोगर वैरायटी सेते गुडे रोग थाए पार्किंसंस रो तो ट्रेमर हैला केतेनकर स्टिफनेस हैला खाली पार्किंसन डिजीज नु सब प्रकार डिजीज ट्रीटमेंट करा जाए सेतरे आमे मेडिसिन सहित अन्य भी ट्रीटमेंट करू जेमती कि सपोज लिबोडोपा जो आमे टैबलेट दऊ सेटा ट्रीटमेंट देला परे किछि वर्ष परे काम करिया बंद कर दे तो सही प्रकार पेशेंट्स मानकु आमे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन रा फैसिलिटी भी दऊ जोटा कि आम हॉस्पिटल रे एबे अवेलेबल हेछि आउ ता व्यतीत किछिटा इंजेक्शन दिया जाए एपोमॉर्फिन इंजेक्शन दिया जाए सेटा भी आमे अवेलेबल को दऊ छु बोटॉक्स इंजेक्शन दऊ छु सही सब प्रकार फैसिलिटीज आम पाखरे अछि फिजियोथेरापी स्टेट ऑफ द आर्ट फिजियोथेरापी आम हॉस्पिटल रे अछि जोटा कि तांकर पार्किंसंस पेशेंट मान पई तांकर बैलेंस थेरापी गेट थेरापी सब दिया जाए तो गोटे कंप्रेहेन्सीव होलिस्टिक अप्रोच रु आम पेशेंट मानक पार्किंसंस पेशेंट मानक ट्रीट करा जाए। ये रोगटा क्यूरेबल तो नुह एटा ट्रीटेबल ए डिजीज टाकु आमे जहाँ भी मेडिसिन दो न दो से प्रोग्रेस करिया कथा से प्रोग्रेस करिवो आमे ता सिम्टम्स गुडा को जोटा पेशेंट को बेसी डिसेबल कर दिए पेशेंट को जोटा एफेक्ट करे सेटा को आमे कंट्रोल करू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो क्वालिटी ऑफ लाइफ टाकु भलो करया को चेष्टा करू किंतु क्योर केबे भी डिजीज टा करी होबा ना। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।